हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से मैं इम्पोर्टेंट मैथमेटिक फॉर्मूले की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है, देखिए। इम्पोर्टेंट मैथमेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला सीरीज, ओके। एलजेब्रा के फॉर्मूले स्टार्ट है, एलजेब्रिक फॉर्मूले, ओके। जो आपकी क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक कहीं पर भी आपको आगे लेवल पर काम आएंगे, ओके। देखिए, फर्स्ट है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए, सेकेंड है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ओके। थर्ड फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, जब आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है आपका एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ओके। जब हमारे ये भी एक्स है ये भी एक्स है, लेकिन ये कोफिशियंट हमारे चेंज है, ठीक है। ए है यहाँ पर, बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ओके। फिर देखिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फिफ्थ, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है। एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी, ओके। देखिए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा ये आना चाहिए। देखिए, हमने सबसे पहले एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी से करी और माइनस ए की मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी से करी, ओके। तो इससे आगे आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस का ए बी, तो इससे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेंगे बी माइनस ए माइनस का ए बी। देखिए, आ गया ना ये सेम यही फॉर्मूला। तो हम हर क्वेश्चन पे इतनी लंबी प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इस फॉर्मूले को कहीं पर भी लगा सकते हैं, ओके। देखिए, सिक्स फॉर्मूला है आपका एक्स प्लस ए और x माइनस बी, तो इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। देखिए, x प्लस का a और x माइनस का b, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी, ओके। अब सेवन्थ फॉर्मूला है आपका x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका फोर्थ, ये एक दो तीन चार, ये चारों फॉर्मूले सेम है। देखो कैसे, यहाँ पर x है ये भी x है, यहाँ प्लस का है प्लस का भी है, तो ये निकलेगा। यहाँ पर x है यहाँ पर x है, यहाँ ए को हमने माइनस में ले लिया, ठीक है, तो माइनस ए प्लस बी, तो ये निकलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको तो ए ही रखा और इसको बी की जगह पर माइनस बी कर दिया, तो ये निकला। और यहाँ पर हमने दोनों कोफिशियंट माइनस में ले लिया, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब एट फॉर्मूला देखिए, देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर भी आपको दिखता होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ओके। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। ओके, अब इसका नाइन्थ फॉर्मूला देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ओके, ये हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब, इसको और भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया है मैंने। वैसे आसान तरीका यही है ए माइनस बी का क्यूब याद करने का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ओके, अब हम मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको टेन। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, एक एक करके के कोफिशिएंट को लेंगे। ठीक है, अब इसका इलेवेंथ है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब एक एक करके वैल्यू हम माइनस में लेंगे, ठीक है, जेड की जगह पे माइनस जेड। तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस का जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस के जेड स्क्वायर का भी जब होल स्क्वायर होता है तो प्लस का हो जाता है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, देखो टू एक्स वाई माइनस का टू वाई जेड और माइनस का टू एक्स जेड। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस का टू वाई जेड और माइनस का टू जेड एक्स या टू एक्स जेड। ओके, अब ट्वेल्व होगा आपका एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमने वाई की जगह पर क्या ले लिया, माइनस का वाई ले लिया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई माइनस का टू वाई जेड और प्लस का टू एक्स जेड। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई माइनस का टू वाई जेड और प्लस का टू जेड एक्स। ओके, अब आपका थर्टीन है, थर्टीन है आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब y और z हमने दोनों माइनस के निगेटिव में ले लिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, माइनस का टू एक्स वाई माइनस का टू एक्स वाई प्लस का टू वाई जेड और माइनस का टू एक्स जेड। ठीक है, क्या हो गया आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई प्लस का टू वाई जेड माइनस का टू एक्स जेड। ठीक है, ये देखिए माइनस का टू एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का टू एक्स। देखिए फोर्टीन फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, या आप इसको जेड एक्स भी कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। ओके, अब आपका फॉर्मूला फिफ्टीन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होता है आपका ट्वेल्व एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को और एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई ट्वेल्व से करेंगे तो आपका ये आएगा। ओके, देख लेना एक बार आप सॉल्व करके। उसके बाद हमारा सिक्सटीन जो फॉर्मूला है वो है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला,
तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, पहले एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब कि माइनस वाले में प्लस लेना है। अब आप नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ अंदर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपका 18 फॉर्मूला देखिए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। ओके, क्या है आपका, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला, एक्स क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी। देखो, इसको याद करने का सिंपल मेथड है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला। सबसे पहले एक्स की कितनी पावर आएंगी, यहाँ पर 3 पावर, तो एक्स क्यूब प्लस, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस का सम, फिर एक्स का कोफिशियंट क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई ए बी बी सी सी ए एक्स और प्लस लास्ट में तीनों की मल्टीप्लाई ए बी सी। ठीक है, तो आपके 1 से लेकर 18 तक आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इन फॉर्मूले का यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक या उसके हाई लेवल में भी आप इन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी करनी होगी या कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको पता है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।